मैं रमेश शोभन नाउ न्यूज इंडिया से। आज हमारे साथ में बैठे हैं सुखदेव सिंह जी एनआरआई बेल्जियम से, जो बीच बीच को यहाँ पे इंडिया के अंदर आते हैं और बड़े लोक भलाई के काम करते हैं। तो अभी भी मतलब सुखदेव सिंह जी पिछले करीब 2 महीने से अपने यहाँ पे इंडिया में आए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि मतलब हर जगह पे स्कूलों में या मतलब पिंडों में जरूरतमंद बंदों को ये जरूरत का सामान मुहैया करवाते हैं। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी नमस्कार। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तो सुखदेव सिंह जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज आपको काफी टाइम होगा करीब 2 महीने यहाँ पे जी। तो जब से आप हम आपके प्रोग्राम बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, कभी किसी पिंड में जा रहे हैं, कभी किसी स्कूल में जा रहे हैं, तो लोग भलाई के कामों में आप लगे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट के एक अपने काम है, उसके बावजूद आपने मतलब ये सारी कमांड अपने हाथ से बदल ली, तो इसके बारे में थोड़े से हम जानना चाहेंगे सर। हाँ, सारे न्यूज देखने वाले मेरा सत। मैं सुखदेव सिंह फ्रॉम बेल्जियम। कोई तकरीबन हर साल इन्होंने दिनों के मैं एक डेढ़ दो महीने वास्ते आना वा, जो कि खास करके मेरा मेन मकसद होंगे है कि गरीब परिवारों की मदद की जाए, क्यों उत्थे बेल्जियम मेरा एक छोटा मोटा कारोबार है, उस कारोबार के मुताबिक मैं अपना जो भी किरत कमाई कर रहा वह दसवंध मैं आके इतने गरीब परिवारों में वंट के जाता। मतलब जिस तरीके से देखते हैं ना सुखदेव सिंह जी का जो मिशन है, इसको देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आप यहाँ पे हर डेली का आपका एक शेड्यूल है, हर पिंड में जरूरतमंद लोगों के बीच में आप होते हो, किसी को आप गर्म कपड़े दे रहे हो, किसी को आप जूते जराबा दे रहे हो, किसी को बच्चों के लिए आप मतलब स्कूल के अंदर, कल परसों हम देख रहे थे मतलब और भी बहुत सारे ऐसी ट्राई साइकिल से लेकर किताबें बुक्स मतलब बैठने के टाट पट्टी, जबकि ये गवर्नमेंट का काम है। मतलब गवर्नमेंट के स्कूलों में या उसमें हम देखते हैं कि आज भी लोग उन चीजों से वंचित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखो जी रमेश जी, गल इदा है भी बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल के काम सरकारां दा, पर सरकारां काम कर नहीं रहियां, नकम्मियां सरकारां ने। ये देखो तुहाडे टीवी दे माध्यम मैं ये गल कह रहा ना, नकम्मियां सरकारां ने, क्योंकि सानू इत्थों जे ये नकम्मियां सरकारां ना होंदियां तां असी बाहर जाके एक किस्म दा धक्के खाण वाला काम है। असीं चलो ते गुरु नानक दी कृपा के असीं गुरु महाराज दा मिशन लैके चलदे होए आ, ते परमात्मा ने साडे ते हाथ रख्या होया, असीं अपने दान नाल दी किरत कमाई करके फिर भी इत्थे आके गरीबां च जां गरीबां दे परिवारां नूं जिथे भी लोड़वंद परिवार हुंदा उन्हां नूं देईदा है। हुण पिछले 3 महीनों तों मैं एक नवीं मुहिम चलाई इत्थे पातणा दे विच, अपने इलाके दे विच असीं 21 गरीब परिवारां नूं राशन दिंदे आ 1 महीने वास्ते। हर महीने दी संगरांद वाले दिन असीं उन्हां 21 परिवारां नूं हर महीने राशन देईदा है, क्योंकि ओह परिवार ने जिहड़े बिल्कुल वाकई ही लोड़वंद परिवार ने, उन्हां नूं असीं राशन मुहैया कराने। सुखदेव सिंह जी, जैसे कि पीछे किसानों का एक आंदोलन से किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए एक आंदोलन को चलाए हुए थे, उस टाइम भी आपकी मतलब काफी किसान आंदोलन में भी आपने बढ़ चढ़ के मतलब हिस्सा लिया, जैसे तंबू तरपाल के लिए आपने काफी मतलब वो किया, तो इस तरह की जो आपके अंदर है ना ये एक प्रेरणा, तो ये क्या आप स्टार्टिंग से ही इस तरह की से जुड़े हैं या आप मतलब बेल्जियम जाने के बाद में आपको मतलब ये लगा कि भाई हमारे जो भाई हैं रोड बंद जो लोग हैं उनको हमने इस तरीके से मतलब सहायता करनी चाहिए, आप शुरू से ही मतलब इस तरीके से मतलब जुड़े हो सकते? ये रमेश जी तुहाडा बहुत बढ़िया सवाल है। ये वाकई ही मैं 1971 दे विच आर्मी च भर्ती होया सीगा 10वीं क्लास करके, ये उस तो बाद ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 1971 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲ ਜੀ ਕਾਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਬਣ ਲਈ, ਉਹੀ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਧਰਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਚੱਪਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਜੁਰਾਬਾਂ ਜਰਸੀਆਂ ਟਰਾਈ ਸੂਟ
जिथे भी कदे लोड़ पैंदी है। हुण मैं ऐसी आ के दो शैड भी बनवाए ने, किसी बच्चे खाना खाते हैं, जबकि ये सरकार का काम है, लेकिन वो असी अपनी एक जिम्मेवारी अपना फर्ज समझते हुए भी गुरु नानक के मिशन पर अं चल रहे हैं, गुरु ने कृपा साढ़े की है तो साज बन रहा है। एक चीज और मैं इसमें सुखदेव जी ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी कुछ जैसे पंजाब के अंदर इलेक्शन है, वहां पे हर पार्टी कह रही कि हम मतलब किसानों को, हम गरीबों को, हम लोगों ने ये मतलब सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, तुसी वोट हमने जो, तो वो कहाँ से करवाएंगे? अपने घर से तो वो करवा नहीं रहे, इसके अंदर मतलब किसका पैसा जा रहा है? मिडिल क्लास जो बंदा टैक्स पे ही है, उसी के पैसे से मतलब वो लोग खिलवाड़ करने लग रहे हैं, जबकि उस पैसे को कहीं और उन्होंने लगाना चाहिए था। तो इस तरीके से मतलब जैसे अभी एक केजरीवाल जी ने कहा कि 1000 रुपए हर मरीज को हम देंगे, तो इस तरह की जो घोषणाएं हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपके विचार करना चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, गल इदा है भी साडा, खास करके पंजाब की मैं गल करांगा, पंजाब साडा मंगता ने, यह साडे पॉलिटिक्स लोगों ने इनू मंगता बना रहे हैं। जिस तरह के तो पहला 4.5 साल अमरिंदर सिंह ने टिकटा माफ कर दित्तियां लेडीज दियां, देखो इन्हों का दिमाग तुम देखो, जे लेडीज ने कीती जे बजुर्ग ने 70-80 साल के उन्होंने क्यों नहीं कीतियां? ये कोई तुक नहीं बनता इन्हों लोगों का, इस वास्ते असी नकमिया सरकार नकमे लोग कहांगे। हुण केजरीवाल ने 1000 रुपया लेडीज नूं करता की गल बई, जे बजुर्ग ने उन्होंने क्यों नहीं तुम दे रहे? इस वास्ते इन्हों मंगते ना, साढ़े पंजाब नूं मंगते ना बनाओ, मंगता नहीं साडा पंजाब, साडा पंजाब तो बड़ी महाराज की कृपा चढ़दियां गल्लां च रहण वाला है। इस वास्ते असी अज भी ये गल कहांगे इन्हां पोलिटिक्सां नूं भी तुसी ये चीज़ां ना दिओ, तुसी दिओ सहित मुहैया होस्पिटल, तुसी दिओ तुसी बच्चियां नूं पढ़ाई दिओ जिहड़ी तुसी अज तक नहीं दित्ती, क्योंकि अज तक साडे बच्चे जिहड़े ने वह बगैर पढ़ाई तो ही जिन्ना कोई वह अपने आप कर सके ने, वह करके अज तुहाडा कोई भी खास करके पंजाब दा, भारत दा भी मैं कह सकदा, पर पंजाब दा खास करके नौजवान कोई इत्थे रह के राजी नहीं, क्यों? तुहाडे कोई सिस्टम ठीक नहीं, सरकारां ने कमियां ने। बिल्कुल सुखदेव सिंह जी ने बिल्कुल जो बात है, मेरा एक क्वेश्चन सी बिल्कुल उसी से रिलेटेड आए, तो आपकी उसमें आया, आप बहुत सारे बच्चे जैसे एक नया करेज जो नया ब्लड है, वो हर बच्चा ये चाहता कि मैं बाहर जाके सेटल हुआ, तो इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, ये किस वजह से मतलब क्या बाहर की जो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको वहां पे मतलब काम करने में सहूलियता है, या वहां पे मतलब किस वजह से मतलब नया नौजवान बाहर की तरफ आकर्षित हो रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी जानना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर गल यह भी जेडे लोग इतों बच्चे बाहर जाते हैं वो पढ़ाई भी करते हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम वो ला के अपना ड्यूटी भी करते हैं, पर फिर भी तुसी अगर उन्होंने जाके मिलोगे उन्होंने चेहरे के उत्ते रोमांकी होगी, खुश होंगे बच्चे, क्योंकि उत्थे कोई सिस्टम नाल काम चलता, इत्थे कोई सिस्टम नहीं, इस वास्ते तां करके हर बच्चा जिहड़ा अज इत्थे रहना नहीं चाहता, वो बाहर जाके सैटल होना चाहता। बिल्कुल जी, सुखदेव सिंह जी ने जिस तरीके से बताया कि हर नौजवान हर बच्चा बाहर जाके सैटल होना चाहता है, यहाँ के सिस्टम निकम्मी सरकारों से मतलब तंग आ चुके हैं, और साथ में हमारे देखो बैठे हैं सारे अंतरणजीत सिंह जी, दमदार साहब गुरुद्वारे के अंदर सेवादार है, इधर बैठे ईश्वर सिंह जी, ये भी अपने यहाँ पे सेवादार है। तो बिल्कुल अभी हमारी जो चर्चा चली थी इन्हीं चीजों के ऊपर चल रही थी थोड़ी देर पहले भी, कि भाई हम हमारे जो नौजवान है आज हर बंदा बाहर पलायन करने के लिए तैयार है, कारण और कारण सिर्फ एक ही है कि हमारे जो सिस्टम है, हमारी जो सरकार है वो फेल हो चुकी है, और आज जो जरूरत है सुखदेव सिंह जी जैसे समाज सेवियों की, समाज को जरूरत है, सरकारों से हमने कोई मतलब हम ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, और ऐसे ऐसे लोग ही अगर हमारे समाज से आगे आए तो तब जाके समाज का भला हो सकता है। तो मैं सुखदेव सिंह जी का इस तरह के जो कार्य जो ये कर रहे हैं, मैं दिल से तय दिल से और अपने चैनल के माध्यम से मैं मतलब लख लख मतलब इनका धन्यवाद करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।